लेट्स बिगिन। आज का डिस्कशन हम चालू कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, आज हमें ना आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। आज हमारे पास लगभग एक घंटा है और हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसको एक बार फटाफट रिवाइज करने का है। स्टैंडर्ड में यस, अपने को बेसिकली मेन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स पकड़ने, जैसे हमने लेबर रिवाइज किया था ना फटाफट, वैसे हमको भी स्टैंडर्ड भी। आपने लेबर पहले बताओ, घर पे पूरा कवर कर लिया, हो गया लेबर कंप्लीट, बहुत बढ़िया। तो अब हम चालू कर रहे हैं स्टैंडर्ड। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर है ना, तो सबसे पहली चीज समझने की है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसमें ना सबसे पहली चीज समझने की है स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो या चाहे वो स्टैंडर्ड आर हो। कुछ जगह पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज होता है, कुछ जगह पे स्टैंडर्ड आर यूज होता है। कई सारे बच्चे में से इवन ये भी पूछते हैं कि सर बजट और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है। क्या होता है बजट और स्टैंडर्ड में फर्क, बताओ बजट और स्टैंडर्ड में फर्क क्या होता है, जल्दी बताओ क्या फर्क होता है बजट और स्टैंडर्ड में फर्क क्या होता है बताओ। बजट जो होता है ना वो फर्स्ट डे बनता है, और स्टैंडर्ड होता है एक्चुअल आउटपुट में कितना लगना था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बजट एंड स्टैंडर्ड। अगर हमने 1000 लोगों का खाना सोचा और 1000 लोगों के खाने के हिसाब से हमारा जो हलवाई है, शेफ है, उसने हमसे सामान लिखवा है, वो बजट है। उसने 700 लोगों का खाना बनाया तो 700 लोगों में कितना सामान लगना था वो देखेंगे, 1000 का थोड़ी देखेंगे, क्योंकि 1000 लोग आए नहीं, उसने 1000 का खाना एक्चुअली बनाया ही नहीं। उसने जब 700 लोगों का ही खाना बनाया है तो इंग्रेडिएंट्स का जब कंपैरिजन होगा तो 1000 से थोड़ी होगा, कंपैरिजन 700 से ही होगा, क्योंकि लगना भी 700 के लिए चाहिए था, जब बनाया ही 700 के लिए, तो जो 1000 के लिए सोचा था वो बजट हो जाएगा। लेकिन जब खाना बना 700 के लिए तो 700 के लिए जो इंग्रेडिएंट लगने चाहिए थे वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक नाम भी देते थे और मैंने टैगलाइन लिखवाई थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बोलते थे, जितना जितना बनाया उसमें, यस ये टैगलाइन हमेशा ध्यान रखना, जितना बनाया उसमें कितना लगना था, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड माना जाए, स्टैंडर्ड आर माना जाएगा। अगर हम इसको टाइम में निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आर, और ये चीज अगर हम क्वांटिटी में निकालेंगे हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब है ना अपने को यहाँ पे अलग अलग हेड्स में बहुत सारे वेरियांस है, मटेरियल वेरियांस है, लेबर वेरियांस है, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड वेरियांस है। मैं आपको बता दूं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीन वेरियांसेस हैं, मटेरियल वेरियांस, लेबर वेरियांस और फिक्स ओवरहेड वेरियांस। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरियांसेस हैं, और इन तीनों में से क्वेश्चन ऐसे रोटेशन में घूमता रहता है, कभी मटेरियल में से आ जाता है, कभी लेबर में से आ जाता है, और कभी ओवरहेड में से आ जाता है। पिछले अटेम्प्ट में मटेरियल का था, उसके पिछले अटेम्प्ट में ओवरहेड था, उसके पिछले अटेम्प्ट में लेबर था, पर ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है। कई बार वो ऐसा भी हो जाता है कि मटेरियल का ही वापस कुछ अलग वेरायटी का क्वेश्चन पूछ लेते, तो ऐसा अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि रोटेशन में एक ही आएगा। पर हाँ ये है कि ये तीन अच्छे से करके जाने अपने को, मटेरियल वेरियांस, लेबर वेरियांस और फिक्स ओवरहेड वेरियांस। क्योंकि देखो सेल्स वेरियांस में कोई अलग कॉन्सेप्ट है नहीं, सेल्स वेरियांस को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है सेल्स वेरियांस के अंदर कि उल्टा चलता है। अगर हम नेगेटिव को यहाँ पे एडवर्स मानते हैं तो सेल्स में नेगेटिव को फेवरेबल मानते हैं, क्योंकि सेल उल्टा होता है कॉस्ट से। अगर सेल कम हुई है तो ये हमारे लिए एडवर्स है, और सेल ज्यादा हुई है हमारे लिए फेवरेबल है। तो अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा हुआ है तो फेवरेबल है, तो नेगेटिव इज फेवरेबल एंड पॉजिटिव इज एडवर्स। ये सेल्स वेरियांस में होता है बस, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू वेरियांस है। लेकिन बाकी सारे वेरियांस कॉस्ट वेरियांसेस हैं, और कॉस्ट वेरियांस में ये नहीं होता कि मटेरियल लेबर फिक्स ओवरहेड में नेगेटिव इज एडवर्स एंड पॉजिटिव इज फेवरेबल। चले तो अब आपको सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको मटेरियल वेरियांसेस के फॉर्मूले याद है क्या। चलो एक बार आप सबसे पहले मेरे को मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक बार लिखवा दो। क्या क्या फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला बताओ क्या है, फर्स्ट वेरियांस कौन सा है मटेरियल कॉस्ट वेरियांस का फॉर्मूला क्या है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये हमारा सबसे पहला वेरियांस मटेरियल कॉस्ट वेरियांस का, एपी। ओके मटेरियल प्राइस वेरियांस का फॉर्मूला बताइए, मटेरियल प्राइस वेरियांस का फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। और यहां ध्यान रखना हम लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, परचेज का एक अलग वेरियांस फॉर्मूला होता है परचेज प्राइस वेरियांस,
उसमें हम परचेज लेते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ मटेरियल प्राइस वेरियंस निकाल रहे होते हैं तो हम लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। एक होता है मटेरियल यूजेज वेरियंस, और यूजेज वेरियंस का फॉर्मूले में क्वांटिटी का डिफरेंस आता है, तो क्या आता है फॉर्मूला? एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अब ध्यान रखना, एक जगह हम बाहर ए क्यू ले रहे हैं जबकि एक जगह अपन बाहर एस पी ले रहे हैं। मटेरियल यूजेज में एस पी लेने का रीजन ये है कि यूजेज को प्राइस का वेरिएशन नहीं जाना चाहिए। आज अगर यूजेज वेरियंस अपन निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ क्वांटिटी का वेरियंस निकालना चाहते हैं, तो प्राइस शुड बी स्टैंडर्ड, एक्चुअल प्राइस का वेरिएशन नहीं जाना चाहिए। तो सर इधर एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लेते हैं? क्योंकि प्राइस वालों को तो जितना उन्होंने क्वांटिटी खरीदा है उस सबका वेरियंस लेना ही पड़ेगा ना। आज अगर 10 की जगह 12 में आए हैं तो 2 रुपए अगर महंगा पड़ा है रॉ मटेरियल, तो जितनी क्वांटिटी खरीदी उस सबका वेरियंस प्राइस को ही जाएगा, नहीं तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी का वेरियंस है कौन लेगा? तो ऑफकोर्स पीछे उनको बोला सामने देखो एकदम, ठीक है ओके। तो मुद्दा यह है कि जो मटेरियल यूजेज वेरियंस है उसमें हम क्वांटिटी का डिफरेंस तो लेंगे, लेकिन प्राइस कौन सी लेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। आप मुझे बताओ इस यूजेज वेरियंस के अंदर भी दो टुकड़े थे, कोई बताएगा दो कौन कौन से थे? एक का नाम था मटेरियल मिक्स वेरियंस और एक का नाम है मटेरियल सब यूजेज वेरियंस या यील्ड वेरियंस। याद है मिक्स वेरियंस का फॉर्मूला बताओगे क्या था? आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, और इसका फॉर्मूला था एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। एक मिनट, यहां पे मेन बात थी आर एस क्यू, याद करो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नाम दिया था। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैंने बोला था आप आर एस क्यू अगर बोलोगे तो ठीक है, लेकिन आप आर एस क्यू से उसको याद नहीं रख पाओगे। आपको आरएसक्यू को अंदर इंटरप्रिटेशन में कुछ समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो आपको याद है क्या था आरएसक्यू? आरएसक्यू होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। अगर हम हमारी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बताओ क्या निकल के आ जाएगा? आरएसक्यू निकल के आ जाएगा। और ये का ही आरएसक्यू यहां पर भी यूज होगा और ये का ही आरएसक्यू यहां पर भी यूज होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज बेसिकली एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। वेरी नाइस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस पे तो ले जा भी नहीं रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं जो मेजर मेजर क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या मेन पेन पॉइंट है, और हम लोग कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया क्लास में स्टैंडर्ड पढ़ाते समय भी ये बात बोली थी कि आप स्टैंडर्ड को रिवाइज फॉर्मूला रट के मत करना, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको रटे हुए हैं, और अगर फॉर्मूले ही मेरे को पढ़ाने होते तो मैं क्लास में यहाँ पे रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूले तो आप ही को रटने हैं, और लॉजिक में उसका क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, एग्जाम में भी ध्यान रखना, जब हम इस स्टैंडर्ड चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना तो हर क्वेश्चन में मेन मेन काम रखना, एस क्यू निकाल के रखना, ए क्यू निकाल के रखना, एस पी निकाल के रखना, ए पी निकाल के रखना। और अगर ये पांच चीजें आपने हर क्वेश्चन में मटेरियल वेरियंस के अंदर निकाल ली तो आपको फिर पूरे पूरे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो काफी है, बाकी बस आपको ये फोकस करना है कि ये पांच चीजें मैं हर क्वेश्चन के अंदर निकाल के रख लूं, जो भी मेजर मेजर क्वेश्चन क्लास के हैं या मॉड्यूल के हैं। ऐसे ही मैं फिक्स्ड वेरियंस में बताऊंगा क्या क्या निकाल के रख लेना, हर वेरियंस में बताऊंगा क्या क्या चीजें निकाल के रख लेना, तो क्या होगा आपका स्टैंडर्ड विद इन आर पूरा रिवाइज हो जाएगा विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पूरे पूरे फॉर्मूले अप्लाई करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो आप क्लेरिकल काम कर रहे हो। आपको मेन काम करना है कि हर क्वेश्चन के अंदर ये पांच चीजें निकाल के रखनी है। आ रही है बात समझ में? चले तो अब इन पांच चीजों के लिए हम बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बुक में कौन से पेज, किसी बुक है पेज नंबर कौन सा स्टैंडर्ड का? 221, पीछे जाना पड़ेगा बहुत। यस स्टैंडर्ड, ये नहीं, ये तो आ गया हमारा मार्जिनल, मार्जिनल के बाद ही आएगा शायद। यस अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन बेसिक है, सिर्फ ये समझने के लिए कि अपने को पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये समझ में आता है कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले सिर्फ अप्लाई करने के लिए पहला और दूसरा क्वेश्चन है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और ये क्वेश्चन सेकंड वाला तो मॉड्यूल के अंदर भी है, आई थिंक फर्स्ट वाला भी मॉड्यूल के अंदर होगा, दोनों ही क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर है। पर मेन बात है कि इन दो क्वेश्चन के अंदर कोई दम वाली बात है ही नहीं।
थर्ड क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया था, नवंबर 2019 के एग्जाम में ये थर्ड क्वेश्चन, जैसा ही एक वेरायटी का क्वेश्चन, इवन फिगर्स भी कुछ हद तक मैच थे। तो अब अपने को इस क्वेश्चन के अंदर टारगेट लेके चलना है कि हमें सिर्फ पांच चीजें निकालनी है, एसपी एपी एसक्यू। क्या 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 आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। एसक्यू एक्यू एसपी एपी आरएसक्यू। अगर आपने ये पांच चीजें निकाल ली तो आपको मटेरियल वेरिएंस में कहीं से कहीं तक दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ के यही पांच चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन में 40 और 60 लिख रहा है। पता है 40 और 60 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे ये तो स्टैंडर्ड मिक्स है, ये तो क्या है, ये तो स्टैंडर्ड मिक्स है। और 20 और 30 क्या है आपकी? चलो एक चीज तो अपने को मिली गई, क्या मिल गई? एसपी। हमारा जो ए और बी रॉ मटेरियल है इसका एसपी है 20 और 30। चलो एक चीज तो आई, एक अपने को एसक्यू निकालना है, एक अपने को एक्यू निकालना है, एक अपने को एपी रखना है और एक अपने को आरएसक्यू रखना है। चलिए आगे पढ़े तो एक चीज और लिखी हुई है, 10% का लॉस होता है। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना हमेशा ना ऐसे छोटा सा बना लेने का। कैसे बना लेने का? सिंपल, 40% 60%, सही लिखा, 100 माइनस 10% तो कितना होना चाहिए 90। ये बना लेने का, ये एक छोटा सा लॉस का स्टेटमेंट बना लेने का कि अगर मैं 40 और 60 इनपुट करूंगा तो जाके मेरा 90 बाहर आएगा, ये हमारा आउटपुट हो गया। ये भी क्वेश्चन में दे दिया। अब उन्होंने यहां पे लिखा है कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड देखते ही एक समझ में आती है कि ये एक्चुअल है, क्योंकि रिकॉर्ड में हम हमेशा क्या लेते हैं, एक्चुअल। बुक्स में क्या हम रिकॉर्ड करते हैं? एक्चुअल। तो एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है 90 और 110। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, 90 और 110, ऐसे करके टोटल लग गई 200। और नीचे बोला हुआ है कि इससे बाहर के, एक सेकंड, पहले प्राइस भी तो दिए, ये कौन सी प्राइस है? एक्चुअल। ये भी लिख देता हूं मैं 18 और 34। और हमको लिखा हुआ है कि द एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस वॉज 182। तो ये कहां लिखूं मैं, एसक्यू के साइड या एक्यू के साइड? ये 182 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी बाहर आई है, ठीक है, 182 आई है। अब एक सेकेंड, हमने अभी ऊपर ही ऊपर जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, सबसे पहले एक चीज लिखेगी, एसक्यू का मतलब होता है, ये बार बार दोहराइएगा, एसक्यू का मतलब होता है जितना लगना था, नहीं जितना लगना थी, नहीं जितना बनाया उसमें कितना लगना था। आप मुझे बताओ मैंने कितना बनाया, बनाते क्या आउटपुट बताओ, मैंने क्या आउटपुट बनाया? 182। तो इस 182 में कितना लगना था, तो यहां दिया हो ना 90 लगना था, कितने के लिए? 90 के लिए, 40 और 60 लगना था, तो 182 के लिए कितना लगना था निकाल सकते हैं? अगर हम इसका ओवरऑल लें तो ये आ जाएगा 202.22, और इसको ले जाएं 40 और 60 के रेशियो में तो एक तरफ आ जाएगा 80.88 और 121.33। एक मिनट, अभी एक चीज और बाकी है, लेकिन हमने चार चीजें तो निकाल ली, हमने एसक्यू निकाल लिया। ये बताओ लॉस वाले क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएंगे? रिवर्स जाने का है, आउटपुट से हम इनपुट निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको रिवर्स जाने का है। अब सुनो, एसक्यू आ गया हमारा, एक्यू आ गया हमारा, एसपी आ गया, एपी आ गया, बस एक चीज और मिसिंग है, वो क्या है? आरएसक्यू। एक मिनट, आप मुझे बताओ आरएसक्यू के लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोलेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इन, इट इज इन स्टैंडर्ड रेशियो। अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में लेके आ जाए तो क्या कहलाएगा? आरएसक्यू। आप मुझे बताओ हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? यस, ये दिख रही है आपको 200, इस 200 को इधर लेके आया था, 200 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है। पर इसका रेशियो क्या है, आरएसक्यू स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? सर ये रहा स्टैंडर्ड रेशियो, क्या रेशियो? 40 और 60। ले आओ 40 और 60 में बांट दो, कितना आ जाएगा? 80। और ये हमारा आरएसक्यू भी आ गया। अगर ये पांच चीजें आपने निकाल ली तो मेरे हिसाब से मटेरियल वेरिएंस में तो कहीं से कहीं तक दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बताए आप एक दिमाग में एक सेट करके रखो, एक सिंपल स्टेप कि मेरा पहला काम होना चाहिए इन पांच चीजों को फाइंड आउट करना। पार्ट 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 में करते जाओ, कोई ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक साथ दिमाग में बैठेगा, टुकड़े 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 करते जाओगे ना तो अपने आप अल्टीमेटली जुड़ के एक फाइनली सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम एसक्यू निकाल लिए, एक्यू निकाल लिए, अब बस सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई करके आपको पांचों के पांचों वेरिएंस निकालने। उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी क्लास में मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवा भी थी और उसका रिवीजन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकालना है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है, पर मैं आपको बता दूं इससे बेहतरीन क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर है, वो भी अपन देखेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन 4 को देखते हैं। और दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन 4 और मॉड्यूल के एक क्वेश्चन में एक डिफरेंस है।
हाँ मिक्स, मैं बताऊंगा उस पॉइंट पे मैं आऊंगा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है, इट्स एन स्टैंडर्ड मिक्स 50, 20 और 30 LBS पाउंड्स है, मतलब 100 पाउंड का मिक्स बनाते हैं वो 50, 20 और 30 की रेशियो के अंदर, तो ये हमारा एक तरह का स्टैंडर्ड रेशियो हो गया 5:2:3 का। प्राइस भी दिए हुए हैं, ये स्टैंडर्ड प्राइस है क्योंकि स्टैंडर्ड मिक्स के साथ दिया, तो ऑफकोर्स ये प्राइस भी स्टैंडर्ड है। अब अगर अपन चले तो नीचे यू विल ऑल्सो फाइंड आउट वन थिंग, देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। अगेन ऊपर वाला ही बेटर है कि अगर मैं इन सबको इनपुट करके 100 करूंगा तो मुझे बताओ 100 में से कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, 10, कितना आउटपुट आएगा। तो ये तो सर दिमाग में फिट हो गया कि जो भी आउटपुट आएगा उसको 90 के बराबर करके 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नहीं आया समझ में, जो भी आउटपुट आएगा अगर उसको 90 के बराबर के 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपकी SQ, ठीक है। आप देखो आउटपुट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर ए मंथ वॉज 7240 LBS फ्रॉम 80 मिक्सेस। अब एक मिनट, 7240 को डिवाइड करो 90 से और इंटू 100 करके बताओ आपका 8044.44, और इसको अपन 5:2:3 के रेशियो में बांट देंगे तो तीनों की इंडिविजुअल SQ की क्वांटिटी भी निकल के आ जाएगी। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, दैट इज वेरी इजी। पर सर इस क्वेश्चन में एक चीज कंफ्यूज करती है, ये 80 मिक्सेस का यूज क्या है। एक मिनट, अब मैंने ये चीज कॉपी में आपको क्लास में लिखवा दी थी, कोई यूज नहीं है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है, मैंने लिखवा दिया था क्लास में, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि इसका यूज क्यों नहीं है। मैंने इवन भी लिखवाया था क्यों नहीं है। देखो 80 मिक्सेस, सुनो, अरे सुन लो का मतलब क्या होता है, सुन लो, ठीक है सुनो। देखिए 80 मिक्सेस जो है ना, 80 मिक्सेस ये बताते हैं कि हमने 100 क्वांटिटी हम एक बार में लगाते हैं और 80 बार में हमने ये काम कर पूरा किया है, मतलब प्रैक्टिकली 8000 क्वांटिटी का कंजम्पशन करके हमने 7240 बनाई है, ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन जाता 80 मिक्सेस से कि हमने 8000 क्वांटिटी लगा के 7240 बनाई है। लेकिन ये कब यूज होता है, जब क्वेश्चन में हमको ये एक्चुअल क्वांटिटी दी नहीं होती, समझो हमको क्वेश्चन ये नहीं बताता ना कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो हम 80 मिक्सेस का यूज करते हैं और ये सोचते कि अच्छा एक मिक्स में 100 क्वांटिटी लगती है तो 80 मिक्स में 8000 लगी होगी, और 8000 में लॉस कम ज्यादा होने के कारण क्वांटिटी जो बननी थी उतनी ना बनके 7240 बन गई। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा मिक्स का 100 केजी भी सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्चुअल क्वांटिटी, तो 80 मिक्सेस का यूज यहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो क्वेश्चन मॉड्यूल का है, स्टैंडर्ड कौन सा चैप्टर है मॉड्यूल के अंदर, 13, एक मिनट, 13 चैप्टर होना चाहिए मेरे पास में, 13, ये रहा, ये तो एक मिनट GST का आ गया, अगेन GST, यस 15, 7, 10, 6, 12 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, ये फैन है ना, बंद चालू करते तो हमारे कैमरे पे इफेक्ट होता है, पता नहीं क्यों होता है पर होता है, मतलब यहां पे दिक्कत आना चालू हो जाती है, तो इसलिए अब ये बंद चालू करना बंद करो, बंद ही रहने दो उसको, कुछ भी मत करो उसका। ये रहा चैप्टर 13, ओके वी गॉट इट। चलिए तो इसका जो क्वेश्चन मैं आपको खास बोलने वाला था ना, वो क्वेश्चन है, इसको पढ़ोगे ना तो इसमें यू विल फाइंड आउट ए ह्यूज डिफरेंस। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर मॉड्यूल ऑन पेज नंबर 13.38। आपके मॉड्यूल में भी 13.38 ही है, यस 13.49 है, ओके ये इसके पहले का वर्जन होगा, पर क्वेश्चन तो यही है। अब देख लो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूं। JK लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग NXE बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल फॉर एवरी बैच ऑफ 100। पहली बात तो यहां पे लैंग्वेज समझना, इस बार की पता है क्वेश्चन में लैंग्वेज पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर दिए। अपन ने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था ना, इसके पहले वाला, सेकंड वाला, इसके जो पहले किया था फर्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, अपन ने लिखा था लॉस 10% ऑफ इनपुट है, एग्जाम में आया था लॉस 10% ऑफ आउटपुट है, एग्जाम में क्या था लॉस 10% ऑफ आउटपुट है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो बोलता है लॉस 10% ऑफ, तो कोई फर्क थोड़ी आउटपुट पे निकाल लेंगे हम, कोई वो वाली बात थोड़ी है, हम ये मान लेंगे कि 100 आउटपुट होता है तो उसके लिए 110 लगता,
अगर लॉस 10% ऑफ आउटपुट है, मतलब 100 निकालने के लिए 110 लगेगा, तो कोई खतरनाक है क्या? बस लैंग्वेज का फर्क है। कुछ बच्चे इसी में गलती करके आ गए, वो इनपुट पे मान लिया, अरे पढ़ो तो सही, 10% ऑफ इनपुट ना लिख के 10% ऑफ आउटपुट लिखा है, तो बस ऊपर 110 रख के नीचे 100 रखना था, कि 110 डाला 10 का लॉस हुआ और 100 बाहर आ गया, तो जो आउटपुट होता उसको 100 के बराबर रख के 110 कर देते, तो इजी बहुत था, लेकिन लैंग्वेज का फर्क है। अब यहां पे भी यही फर्क है। उन्होंने क्या बोला है, फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बताओ? 100 डालूंगा तो 125 बाहर आएगा, 125 डालूंगा तो 100 बाहर आएगा, ये मीनिंग निकालना पड़ेगा कि 125 डालूंगा तो, इसका मतलब अगेन यहां पे लॉस 25% ऑफ आउटपुट है, यहां पे लॉस 25% ऑफ आउटपुट है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं लिखे कि 100 डालूंगा तो 125, क्वेश्चन बोल देगा लॉस इज 25% ऑफ आउटपुट, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आउटपुट मतलब इट इज 100, आउटपुट को मान के करना है। और ये चीज पता है मैंने कितनी बार आपको बोल दी, जिस चीज पे परसेंटेज दिया जाए उसको 100 मान लो। ये हमारी क्लास की पहले दिन की टैगलाइन थी कि जिस चीज को 100 दिया जाए, जिस चीज पे परसेंटेज दिया जाए उसको 100 मान लो, हमेशा आपके सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं उससे। तो यहां पे भी जिस चीज से परसेंटेज दिया था उसको 100 मानते तो आ जाता है, एग्जाम में आउटपुट पे आया था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि 100 को बनाने के लिए 125 का बैच लगता है रॉ मटेरियल का, ठीक है 60। ये देखो यहां पे भी लिखा है, जैसे वहां पे 80 मिक्सेस लिखा था ना, यहां पे क्या लिखे हैं 60 बैचेस। अभी लग रहा है कि 60 बैच का क्या यूज है, देखते हैं है कि नहीं है। 60 बैचेस वर प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600। चलो एक काम तो अच्छा हो गया, 5600 मिल गया। क्या इससे हम एसक्यू निकाल सकते हैं? एसक्यू कि अगर 5600 हमारा आउटपुट है तो आप बता दो हमारी इनपुट क्वांटिटी कितनी होगी? 7000, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया 7500। अरे अभी तो अपन ने ऐसे ही किया था ना, आउटपुट को परसेंटेज रख के उसको इनपुट निकाल लेंगे, तो 100 अगर बनाने में, सॉरी ओके 7000 गलत कैलकुलेशन किया था, कितना है 7000 है, ओके 7000 इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 5600 डिवाइड बाय 100 इंटू 125 करोगे तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी 7000। चलो ये तो क्लियर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड मिक्स दिया है, इस स्टैंडर्ड मिक्स में हम 7000 को बांट देंगे। 7000 को बांटना है 5:3:2 के रेशियो में, तो ये तो तीनों का एसक्यू निकल के आ जाएगा। एसक्यू आ गया, एसपी आ गया, यहां तक दिक्कत नहीं है सर, हो गया। मेन खेल यहां पे है, सर एक्चुअल प्रपोर्शन तो दिया है लेकिन यहां गड़बड़ कर दी उन्होंने, रॉ मटेरियल क्वांटिटी परचेज दे दी। कंज्यूम निकालने के लिए तो ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए ना, नहीं है, कैसे निकालोगे कंज्यूम? एक्चुअली अब इसमें 60 बैचेस का यूज होगा, समझो। उस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक्चुअल क्वांटिटी गिवन थी और वहां एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम में लिखा था, वहां परचेज वर्ड यूज ही नहीं हुआ था, सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी वर्ड यूज हुआ था। लेकिन यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज वर्ड यूज हो गया है। अब जब ये एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है तो इसका तो हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, कंज्यूम। स्टॉक दिया नहीं है, नहीं तो ओपनिंग क्लोजिंग करके निकाल लेते। अब एक्चुअली ये देखना पड़ेगा कि 60 बैचेस का काम हमने किया और एक बैच में हम 125 kg रॉ मटेरियल लगाते हैं, इसके हिसाब से निकलेगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। क्योंकि अभी तो ये आ रहा है 7000 और 8200 की परचेज, पर अपने को देखना पड़ेगा कि यस 60 बैचेस में अगर काम हुआ है और एक बैच में 125 kg हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, मतलब आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी आ जाएगी? ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 7500। अब इसको हम बांटेंगे किस रेशियो में? 60-20 और 20 में, तो एक्चुअल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। सबसे पहले क्या आ रही है? 4500, 1500 और 1500, ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है। अब आप देख सकते हो सेम पैटर्न, सब कुछ सेम, लेकिन एक क्वेश्चन में उस 80 मिक्सेस का कोई यूज नहीं था, जबकि एक क्वेश्चन में 60 बैचेस का हमने यूज किया, क्योंकि क्वांटिटी परचेज दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी कंज्यूम्ड ही दे रखे थे। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि हम क्वांटिटी परचेज का तो यूज कर नहीं सकते, हमें क्वांटिटी कंज्यूम पे जाना पड़ेगा, तो हमें फिर इस पैटर्न पे जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है मॉड्यूल का, क्योंकि और है ना, मैं आपको बता दूं इसके मॉड्यूल के सॉल्यूशन को अगर आप देखोगे तो आप ऐसे चक्कर खा के बैठ जाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा।
तो प्लीज इसके मॉड्यूल के सॉल्यूशन को बिल्कुल भी फॉलो मत करना, इससे बेटर है आप इसका फोटो खींच लो फटाफट, या वीडियो में डालूंगा सर ही, पर अगर आपको इसका फोटोग्राफ लेना है तो ले लो, पर मॉड्यूल के सॉल्यूशन को मत देखना, उन्होंने बहुत अजीबो गरीब तरीके से इसको सॉल्व किया है, पर आंसर मैच कर जाएगा 100%, आपका आंसर मैच कर जाएगा, पर मॉड्यूल का सॉल्यूशन थोड़ा सा अजीब है, उसको फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। तो 60 बैचेस जो है उसका यूज यहां पे था एक्चुअल क्वांटिटी निकालने में, स्टैंडर्ड है 7000 स्टैंडर्ड है और 7500, अरे यार जितना बनाना के लगना चाहिए था वो स्टैंडर्ड है, तो 5600 बनाने में कितनी लगनी चाहिए थी, वो तो स्टैंडर्ड निकाला ना अपन ने, 7000 स्टैंडर्ड है और 7500 एक्चुअल है, ये जो 60 बैचेस है स्टैंडर्ड नहीं निकलेगा, स्टैंडर्ड हमेशा आउटपुट पर डिपेंड करता है, ये 60 बैचेस से क्या निकल के आएगा आपका एक्चुअल, स्टैंडर्ड कभी मत निकाले ना इससे, स्टैंडर्ड हमेशा हमारी टैगलाइन से ही चलेगा, जितना बनाया उसमें कितना लगना था वो ही स्टैंडर्ड होगा, ये सब एक्चुअल निकालने के लिए कर रहे थे हम। आरएसक्यू है बड़े सिंपल, 7500 को बांटना है इन द रेशियो 5:3:2, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 7500, बांट देंगे 5:3:2 के रेशियो में तो हमारा आरएसक्यू भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ए क्वेश्चन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन अच्छा है और चांस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अभी तक नहीं आया है और मॉड्यूल में है, तो पिछले 3-4 अटेम्प्ट में तो ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आया है, तो चांस है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ जाए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, अगर उन्होंने पूछा तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे हिसाब से मटेरियल के अंदर अब एक वेराइटी और बच जाती है, वो अपन देख लेते हैं, एंड दैट वेराइटी इज क्वेश्चन नंबर 6 वाली। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ गया और रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला कॉन्सेप्ट है, पर अपने को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर इसमें ओपनिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, विनायक लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग 2 बेसिक रॉ मटेरियल, इट ऑपरेट्स ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फॉलोज द स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर द फॉलोइंग, स्टैंडर्ड दिए हुए 40 और 60 तो हमारा मिक्स है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने पहला किया था क्वेश्चन उसमें भी यही था, सेंट प्राइस भी सिंपल है 4 और 3, 15% का लॉस भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से मान लेंगे 15 का लॉस होगा तो बताओ कितना बाहर आना चाहिए 85, अब आउटपुट को 85 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगा एसक्यू, देखो आउटपुट दे रखा है 1700 केजी, 1700 को 85 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया है 2000 और एसक्यू को 40-60 में जाएगा तो 800 और 1200, बहुत इजी, एसक्यू में कोई दम वाली बात नहीं थी, तो फिर इस क्वेश्चन में क्या दम वाली बात थी, एक्यू दम वाली बात थी, एसक्यू तो बहुत ही आसान है। अब सुनना, हमने जो इस बार का स्टॉक और परचेज है वो अपने को दे रखा है, 35 क्वांटिटी ओपनिंग है, 5 क्वांटिटी का क्लोजिंग है और 800 खरीदी 3400 में, पहले तो आप 3400 को 800 से डिवाइड करके एक्चुअल प्राइस भी निकाल ही लो ना, एपी भी निकाल लेते हैं, पहले वाले की 4.25 और सेकंड वाले की 2.50, ये तो आप निकाल ही लो एपी 4.25 और 2.50, ये तो इजी है। अब अपना मेन खेल है सर इसकी एक्यू कंज्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम चाहिए, ठीक है। अब प्लीज इधर फोकस करना आप, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम पे जाएं, मैं पहले पी की ले लेता हूं और फिर क्यू की ले लेंगे, पी और क्यू, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग कितना है 35, परचेज कितना है और क्लोजिंग कितना है 5, एक मिनट, अब काम की बात, ठीक है। सबसे पहले ये 35 तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो ही गया होगा, और इसमें से 5 इधर आके 795 भी कंज्यूम हो गया होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो हम कौन सा अजम्पशन मानते हैं हमेशा, फीफो, तो प्रैक्टिकली 800 में से 5 बच के 795 आ गया और 35 तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया होगा, मतलब अगर देखे तो ओवरऑल पूरा कंजम्पशन है 830। लेकिन अब दिक्कत यह है कि 830 में से जो 35 है इसका रेट और 795 का रेट अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, क्योंकि एक ओपनिंग है, ये तो माना कि सर जो इस बार खरीदा है उसका रेट तो 4.25 है क्योंकि वो अपन ने एक्चुअल प्राइस निकाल रखी है, लेकिन पिछली बार जो खरीदा हुआ उसके एक्चुअल प्राइस कहां दी है,
ध्यान रखना, अगर पिछली बार जो खरीदा हो उसके एक्चुअल प्राइस नहीं गिवन हो तो जो इस बार का स्टैंडर्ड है उसको पिछली बार का एक्चुअल मान लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट उसी को तो देख के हुआ होगा। तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है 35 का, उसकी वैल्यू भी किस पे रिकॉर्ड हो जाएगी, 4 रुपए पे। आया समझ में? मतलब हमारा AQ एक्चुअली AQ इंटू AP अगर अपन करें तो 35 इंटू 4 अलग होगा और 794 इंटू 4.25 अलग होगा, ठीक है। ऐसा कैसा अपन एक काम करते हैं, क्यू के लिए भी देख लेते हैं। बताओ क्यू का ओपनिंग कितना है? 40। और परचेज कितनी है? हाउ मच? 1200। और क्लोजिंग कितना है? अब आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। सबसे पहले क्या होगा आप बताओ, 40 तो एज इट इज बताओ कंज्यूम में आएगा कि नहीं आएगा? 40 आएगा। और इसमें से 50 इधर चला गया तो 1150 भी इधर आ जाएगा, मतलब ओवरऑल हो गया 1190। लेकिन जो 40 है उसका रेट हो जाएगा 3 रुपए, और जो 1150 है उसका रेट हो जाएगा 2.5। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? अब इससे वेरियांस निकालना है तो बहुत सिंपल है। जब हम AQ इंटू AP करेंगे तो दोनों को लेंगे और इधर भी दोनों को लेंगे, तब जाके हमारा पूरा AQ इंटू AP होगा, ठीक है। मैं बता ही देता हूं, एक मिनट लग रहा है। अपन यहीं पे फॉर्मूला पुट अप करें तो बताओ, मटेरियल कॉस्ट वेरियांस के लिए हमको चाहिए SQ इंटू SP। SQ हमारा निकाला हुआ था A और B का, SQ इंटू SP निकाल, कितनी क्वांटिटी थी? 800 इंटू 4 और 1200 इंटू 3, ये तो जाएगा SQ इंटू SP। अगर हम AQ इंटू AP पे जाएं तो अपन करेंगे, एक तो दो पार्ट करने पड़ेंगे ना अपने को, 35 इंटू 4 प्लस 795 इंटू 4.25, ये तो होगा A के लिए। B के लिए होगा 40 इंटू 3 प्लस 1150 इंटू 2.5, ये बनेगा हमारा पूरा AQ इंटू AP, ठीक। इसका है ना, मटेरियल यूजेज वेरियंस में कोई अलग इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मटेरियल यूजेज वेरियंस में तो हम AP लेते ही नहीं, हम SP लेते हैं, तो वहां तो हम ओवरऑल क्वांटिटी एक साथ ले सकते हैं कंज्यूम। लेकिन प्राइस वेरियंस में एक फर्क आएगा, जब हम इसका प्राइस वेरियंस निकालेंगे, प्राइस वेरियंस सुनना, प्राइस वेरियंस निकालेंगे इसका, तो A का प्राइस वेरियंस निकालेंगे, 4 रुपए की प्राइस की जगह हो गई 4.25, पर जब इंटू क्वांटिटी करेंगे, एक मिनट क्वांटिटी करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के लेंगे या सिर्फ 795 लेंगे? सिर्फ 795 लेंगे, क्योंकि बेटा ये जो 35 यूनिट है इसमें तो इसकी सेट प्राइस और एक्चुअल प्राइस दोनों सेम है, तो इसमें तो प्राइस वेरियंस आएगा ही नहीं ना। प्राइस वेरियंस कितनी क्वांटिटी में आएगा? 795 में ही आएगा। तो हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कितने से करेंगे? 795 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम बी के लिए भी चल लेते हैं। बी के लिए आप मुझे बताओ, आपकी प्राइस होनी चाहिए थी 3 और है 2.5, इंटू क्वांटिटी बताओ कितनी रखूंगा, 1200 या 1190 या 1150? इस पे नहीं निकालूंगा, सिर्फ 1150 पे निकालूंगा, क्योंकि इस पे निकाल भी लूंगा तो अल्टीमेटली कितना आने वाला है? 0। ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरियंस हो जाएगा। यूजेज वेरियंस में कोई फर्क नहीं, यूजेज वेरियंस जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। आगे समझ में? बताओ मटेरियल वेरियंसेज में अब किसी को आपत्ति है? मटेरियल वेरियंस में लगभग सारी वेरायटी होगी। एक एट क्वेश्चन और है मटेरियल वेरियंस में। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास में इसे 2 क्वेश्चन करवाए, एक क्लास में भी करवाया था, एक होमवर्क में भी दिया था। इसे मेन खेल एक छोटा सा है एक्स का, मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में SQ आ रहा है 50-50 दिया है, निकल जाएगा, बहुत ईजी निकल जाएगा, SQ में दिक्कत नहीं है। AQ इसका 70 है लेकिन इसका नहीं मालूम, तुमने इसको क्या मान लिया था? एक्स। और SP दोनों का मालूम है 12 और 15, और AP मालूम है सिर्फ A का 15, इसका मिसिंग है, ठीक है, याद है आपको? Y लेने की जरूरत, हाँ Y ले लेते हैं, इसको Y ले लेते हैं, चलो इसको क्या ले लेते हैं? Y। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो इसमें ना 2 वेरियंस अपने को क्वेश्चन में दिए हुए, एक तो कॉस्ट वेरियंस और एक यील्ड वेरियंस। पता है कॉस्ट वेरियंस क्यों नहीं लग सकता पहले? क्योंकि कॉस्ट वेरियंस निकालने जाएंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि दो चीजें मिसिंग है, एक तो XB और एक, तो आप एक इक्वेशन से दोनों नहीं निकाल पाओगे। तो हमको पता है पहले ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जहां एक ही वेरिएबल आ रहा हो और वो दूसरा दिया हुआ यील्ड। यील्ड में इसका यूज ही नहीं होता है, यील्ड में AP का कोई यूज है ही नहीं, तो आपको सिर्फ इन तीनों से यील्ड निकल जाएगा, तो आपका जो काम है उसमें AP यूज ही नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट एक से एक्स बैलेंसिंग फिगर में निकल के आ जाएगा।
आ रहा है समझ में? एक्स अपने आप निकल के आ जाएगा क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही एक्स है, एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर हमने कॉस वेरिएंस रख लिया तो हमारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे एक्स और वाई, तो हम फिर दोनों नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले यील्ड अप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, और फिर यील्ड से जब एक्स आ गया तो फिर आप कॉस वेरिएंस में लगा के क्या निकाल दोगे? वाई निकाल दोगे। लेकिन एक सेकेंड सर, यील्ड के लिए तो हमको आर एस क्यू लगेगा। अब आर एस क्यू के लिए हमको सबसे पहले ए क्यू का टोटल करना पड़ेगा और इसका स्टैंडर्ड रेशियो देखना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड रेशियो कितना है? 1:1, तो हो जाएगा 0.5x+35 और 0.5x+35। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब आपका आर एस क्यू भी अवेलेबल है, कोई अलग वेरिएबल नहीं लेना पड़ा। आर एस क्यू अवेलेबल है, ए क्यू अवेलेबल है, एस क्यू अवेलेबल है, एस पी अवेलेबल है। आप आराम से यील्ड वेरिएंस अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर एक्स आ गया तो फिर हमारे पास पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक चीज मिसिंग हो जाएगी, वाई, वो हम कॉस वेरिएंस में अप्लाई करके निकाल देंगे। तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको क्या पहले यूज करना है। अगर आप पहले कॉस वेरिएंस में उलझ गए तो फिर निपट जाओगे। तो ध्यान रखना, दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बना लो कि मेरे पास दो चीजें मिसिंग है तो मैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं जहां एक ही वेरिएबल आ रहा हो, एक ही चीज मिसिंग फिगर आ रहा हो। ये दिमाग में थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो ये आई थिंक मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले हमारे हो गए थे, मटेरियल वेरिएंस हो गया था। हमारा जो सेकंड वेरिएंस है, दैट वेरिएंस इज लेबर वेरिएंस। हाँ, फिक्स में भी आ जाएंगे लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं लेबर वेरिएंसेस के। फिक्स बता दूं क्या पहले? आप जैसा बोलो, फिक्स ओवरहेड देख लेते हैं। वैसे मैं आपको तो फिक्स ओवरहेड का पूरा एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, बहुत प्रॉपर जैसे पूरा बेसिक है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं फिक्स ओवरहेड बता देता हूँ। मैं फिक्स ओवरहेड ही बताया था ना आपको, पूरा फिक्स ओवरहेड ही बताया था। चले, अरे मैं फिक्स ओवरहेड पूरा बताया था ना मेरे भाई। चले, तो अपन फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को समझने के लिए ना एक क्वेश्चन लेके पूरा का पूरा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस समझ सकते हैं। और वो क्वेश्चन कौन सा ले सकते हैं, ये ले लेते हैं, ये इजी भी है और समझने के लिए ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इसी वेराइटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन 14, गेट लगा दीजिए और हम चालू करते हैं क्वेश्चन 14। क्या हुआ, बाहर से आवाज आ रही है क्या? नहीं ना, बिल्ली? अरे बिल्ली तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पाली हुई बिल्ली को टेंशन नहीं है, कुछ करेगी नहीं। और नीचे बेंच के पास कई बार आपके पैरों के नीचे बैठी रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, देखते रहना पैरों के नीचे। क्या सर, देखिए बताते हैं बिल्ली। असीम सर, अच्छा चले, छोड़ो छोड़ो, ऊपर से गया। ठीक है, चले पॉइंट पे आते हैं। चले, तो लेने ही नहीं, अपने को लेने ही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, एक छोटी सी चीज प्लीज सब लोग ध्यान रख लेना। हमको जब भी संस्कृति इधर देखो, चांदी जी इधर देखो, कृति देवी इधर देखो, ठीक है, ओके। अब पॉइंट पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में फिक्स ओवरहेड वेरिएंस है, और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में ना सिर्फ निखिलेश बाबू इधर देखिए, पास वाले भैया को भी बोले इधर देखिए, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 में या फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में सिर्फ चार चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। अगर वो चार चीजें आपने निकाल ली तो आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब वो चार चीजें निकालने पे फोकस कर लो, मतलब आपका पता है पूरा क्वेश्चन ऐसे एकदम अर्जुन की आंख की तरह से इन चार चीजों पे होना चाहिए, बस कहीं से भी करके ये चार चीजें निकल के आ जाए। वो चार चीजें क्या क्या है? एक तो डेज का बजट और एक्चुअल, दूसरा ओवरहेड का बजट और एक्चुअल, तीसरा आर्स का बजट और एक्चुअल, और चौथा आउटपुट का बजट और एक्चुअल। और पांचवी चीज सुनना, पांचवी चीज है स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन पता है इन तीनों में एक खास बात है, कभी क्वेश्चन ये तीनों नहीं देगा। पता है क्वेश्चन इनमें से कोई दो देगा, बाय डिफॉल्ट तीसरी चीज निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिट को बनाने में, तो मान लेते हैं एक यूनिट को बनाने में दो घंटे लगते हैं और हमने 10,000 आर काम किया, तो बाय डिफॉल्ट हमारा आउटपुट कितना निकल जाएगा? 5,000। नहीं आया समझ में? या फिर हो सकता है आपको आर नहीं दे दे और बोले एक यूनिट को बनाने में दो घंटे लगते हैं और 5,000 का आउटपुट है, तो आपके आर कितने आ जाएंगे? 10,000। या आपको ये दोनों दे देंगे तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड टाइम कितना आ जाएगा? 2।
मतलब प्रैक्टिकली हमको तीन में से कितनी चीजें चाहिए, दो। या तो तुम हमको स्टैंडर्ड टाइम दे दो और आर दे दो तो हम आउटपुट निकाल लेंगे, या तुम हमको आउटपुट और आर दे दो तो हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेंगे, या तुमको आर और स्टैंडर्ड टाइम दे दो तो हम आउटपुट निकाल लेंगे। तीन में से कितनी चीजें चाहिए हमको, दो चीजें चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को अगर अपन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 को अपन पढ़े, पहले तो मेरे को नीचे लेनी पड़ेगी ना क्वेश्चन 14 दिखाने के लिए, ये लो क्वेश्चन 14 को अगर हम पढ़े तो क्वेश्चन 14 में सबसे पहले हमको नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे रखे हैं 20 और 22। सबसे पहले तो मैं एज इट इज यहां पे लिख देता हूं, डेज कितने हमारे 20 और 22। दूसरा ओवरहेड्स भी क्वेश्चन में शायद दिए हुए हैं 1,60,000 और 1,68,000, मैं ये भी यहां पे लिख देता हूं 1,60,000 और 1,68,000। क्वेश्चन में आर भी दिए हैं, पर एक ध्यान रखना ये आर पर डे दिए हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके डे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8,000 × 20 करूंगा तो ये आ जाएगा 1,60,000, उधर था 8,400 × 22 1,84,800। ठीक है, और क्वेश्चन में शायद इसके बाद एक चीज और लिख रही है, ये आउटपुट पर मैन आर इन यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में, या अपन बोल सकते हैं एक आर में एक यूनिट बनाना स्टैंडर्ड है। तो लो साहब मैंने क्या बोला था, ये दे दिया स्टैंडर्ड टाइम कितना, एक आर, एक घंटे के लिए एक यूनिट। अब एक मिनट, कैसे हम आउटपुट का बजट निकाल सकते हैं जब 1,60,000 का आर है और एक घंटे का एक यूनिट बोल रहे हैं, तो आपका आउटपुट का बजट भी कितना आ जाएगा 1,60,000। और एक मिनट, उधर ये दे रखा है कि एक्चुअल क्या रहा, एक्चुअल हमने 0.9 ही बनाई तो कितने घंटे काम किया 1,84,800 × 0.9 1,66,320, ये हमारे आउटपुट भी निकल के आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना, हम एक चीज और निकाल सकते हैं इससे और वो है स्टैंडर्ड आर्स, क्योंकि इसका यूज हमारे वेरियंस में आ सकता है। एफिशिएंसी वेरियंस में स्टैंडर्ड आर्स यूज आते हैं, आप चाहो तो इवन फिक्स्ड वेरियंस भी स्टैंडर्ड आर से निकाल सकते हो। तो अगर हम स्टैंडर्ड आर से जाएं तो स्टैंडर्ड आर का मीनिंग वही से निकालो, जितना बनाया उसमें कितना लगना था, कितना बनाया 1,66,320 और एक यूनिट को बनाने में एक आर, तो बताओ कितना लगना था 1,66,320, यही हमारे हो जाएंगे स्टैंडर्ड आर्स। अब ये सारी चीजें अगर आ गई तो हम फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने और क्या क्या फॉर्मूले इसमें हो सकते हैं। सबसे पहला वेरियांस होता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांस, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला, आप चाहो तो स्टैंडर्ड आर इंटू ओवरहेड रेट पर आर रख सकते हो माइनस AOH, या दूसरा फॉर्मूला आप चाहो तो एक्चुअल आउटपुट इंटू ओवरहेड रेट पर यूनिट रख सकते हो माइनस AOH। ये पहला फॉर्मूला है, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से जा सकते हो। SH कहां से आया ये वापस बताओ, ये रहा SH, अभी कहां से आया, जितना बनाया उसमें कितना टाइम लगना था, कितनी यूनिट बनाई एक यूनिट को बनाने में, तो 1,66,320 × 1 आ गया, वेरी सिंपल। ये पहला फॉर्मूला है, इजीली मैं आप कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करना तो बहुत ही आसान है, चलो कर ही लेते, वो कैपेसिटी तक जाने का बोल रहा है तो मुझे कैलकुलेशन करके बताना ही पड़ेगा। चलो इसके अपन एक काम करते हैं, ओवरहेड रेट पर आर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। एक तो ओवरहेड रेट पर आर 1, बजट से निकालना, कभी एक्चुअल का यूज मत करना, किसका यूज करते हैं बजट का, ओवरहेड पर यूनिट भी आ रहा है 1, और ओवरहेड रेट पर डे निकालने जाऊंगा तो आ रहा है 8,000। बजट से मैं अगर पूरे ओवरहेड्स को डिवाइड करते जाऊं तो मेरी पर यूनिट रेट आ रही है 1, पर आर रेट भी आ रही है 1, और पर डे रेट आ रही है 8,000। चलो अपन इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा 1,66,320 × 1 − AOH है 1,68,000, या 1,66,320 AO है इंटू 1 कर देंगे तो भी 168, वो एक्चुअली दोनों में सेम आ रहा है पर वो अलग अलग है, आपका आंसर आ जाएगा 1,680 एडवर्स। ये हमारा पहला वेरियंस हो गया, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस। ठीक, ओके, डन। नहीं दिख रहा है,
लाइट ये वाली भी फिर बंद कर दो और क्या, ये एकदम सनलाइट आगे इसके कारण हो रहा है, ये वाली भी लाइट बंद कर दो, शायद इसके बाद दिखने लग जाए। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है तो बढ़िया बात है, अब देखो ठीक है, ये उधर की सनलाइट से हो रहा है क्या, पता नहीं कहाँ से हो रहा है, आई डोंट नो, चलो जो भी है। अब मेरी बात सुनना, ये पहला वेरियंस हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कलर ब्लू करके थोड़ा डार्क टोन ले लेता हूँ और उसको थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, अब ठीक है ओके। फिक्स ओवरहेड वेरियंस के बाद सेकेंड वेरियंस आएगा एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस ठीक है। अब अगर हम फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस पे जाए ना, तो ये तो लिटरली सबसे सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस बजट के ओवरहेड का डिफरेंस लेना है, कितने खर्चे लगने थे 1,60,000 और लग गए 168, ये हमारा आ गया 8,000 का एडवर्स वेरियंस। और इसका फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये है फिक्स ओवरहेड वेरियंस का फॉर्मूला ठीक। अगला होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वेरियंस ये बताता है कि क्वांटिटी के कारण कितने का, मतलब कितनी क्वांटिटी कम बनी। तो हमारी जो क्वांटिटी एक्चुअल में बनी है वो बनी है 166,320, जबकि बननी थी 1,00,000 इंटू एक यूनिट का रेट है 1 रुपए। इसका फॉर्मूला हो जाता है बजटेड आउट सॉरी एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इंटू ओवरहेड रेट पर यूनिट, क्योंकि अंदर यूनिट लिया ना तो बाहर भी क्या लेना पड़ेगा यूनिट। लेकिन पता है इसका एक फॉर्मूला और है, इसका एक फॉर्मूला और है, बजटेड आर्स माइनस स्टैंडर्ड आर्स, सॉरी उल्टा कर लेते हैं, स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आर्स से भी निकाल सकते हो, इनटू ओवरहेड रेट पर आर्स। देखो बजटेड आउटपुट को बजटेड आर रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल आउटपुट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड आर से, तो इसलिए आर में कन्वर्ट करना है तो वही एक्चुअल आउटपुट की जगह रख दिया एसएच और बजटेड आउटपुट की जगह रख दिया बजटेड आर, तो वो का वही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब अगर अपन इसके टुकड़े करें तो इसके तीन टुकड़े हम निकाल सकते हैं यहां से, पहला टुकड़ा जा रहा है कैलेंडर, दूसरा टुकड़ा है कैपेसिटी और तीसरा है एफिशिएंसी। ओ भाई साहब इधर देखो ध्यान से ठीक है। सबसे पहले कैलेंडर पे अगर हम आए तो कैलेंडर डेज का डिफरेंस लेता है, डेज। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कितने डेज काम किया हमने, 22, जबकि करना था कितना 20, इंटू एक का ओवरहेड रेट है 8,000, मतलब 16,000 का फेवरेबल वेरियंस आ गया कि साहब 2 दिन एक्स्ट्रा काम करने को मिले तो 2 दिन में और ज्यादा वॉल्यूम बन सकता था, जब 2 दिन में और ज्यादा वॉल्यूम बन सकता था ओवरहेड की रिकवरी भी और ज्यादा हो सकती थी। ये हो जाएगा हमारा कैलेंडर वेरियंस। एक मिनट, इसका एक फॉर्मूला और था, एक तो ये हो गया, एक तो हो गया एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, दूसरा फॉर्मूला एक और है, एक और फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं यहां पे। हमने जितने दिन काम किया उसको हम आर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 22 दिन में कितने घंटे काम होता निकाल सकते हैं, 1,60,000 घंटे 20 दिन में, तो 22 दिन में कितना 1,76,000। एक्चुअली आप 1,76,000 आर काम करने के लिए कैलेंडर ने दिए, वापस बता रहा हूं, 1,60,000 20 दिन के लिए, तो 22 दिन के आ जाएंगे 1,76,000, कैलेंडर ने 176 काम करने के लिए दिए, जबकि बजट तो 1,60,000 का ही था, तो 16,000 इंटू 1 कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर भी कितना आ जाएगा 16,000 फेवरेबल। मतलब कैलेंडर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप 176 काम कर सकते हो, जबकि बजट में तो सिर्फ कितना था 1,60,000, मतलब कैलेंडर ने, चौकीदार ने आपको 16,000 घंटे एक्स्ट्रा दिए। एक मिनट, अब पता है अगर आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया ना तो अब कैपेसिटी ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सुनो, कैलेंडर ने आपको 176 काम करने का मौका दिया लेकिन आपने काम तो 184,800 कर लिया, मतलब आपने कैपेसिटी से भी ज्यादा काम कर लिया। कैलेंडर ने तो अपॉर्चुनिटी आपको 176 काम करने की दी थी, कितनी की अपॉर्चुनिटी थी 176, लेकिन आपने काम कर लिया 184,800, मतलब कितने एक्स्ट्रा आर काम कर लिया
8,800 × 1 ये भी फेवरेबल आएगा क्योंकि आपने काम की कैपेसिटी भी बढ़ा ली। 100% कैपेसिटी भी काम करते तो 176 ही कर पाते, मतलब आपने कैपेसिटी 100% से भी ज्यादा कर दी, तो आपका 8,800 का ये भी फेवरेबल हो गया। लेकिन अब सुनो एफिशिएंसी, ये भी बहुत इजी हो जाएगा। आपने काम करने के लिए कैलेंडर ने आपको 176 दिए थे, आपने कैपेसिटी बढ़ा के इसको 184,800 तक ले गए। पर हेलो, 184,800 काम करने के बाद भी आप बना तो 166,320 ही पाए ना, काम तो 166,320 तक ही कर पाए ना। नहीं समझ में आ रहा है आपको? आज 184,800 अगर आपके पास आर थे तो आपको 184,800 यूनिट बना लेनी थी ना, पर आपने यूनिट कितनी बनाई? 166,320। मतलब प्रैक्टिकली आप सिर्फ 166,320 यूनिट्स बना पाए, जबकि आपके पास में बनाने की कैपेसिटी तो 184,800 की थी। इंटू वन करेंगे तो कितना आ रहा है? कितना? 18480 एडवर्स, और तीनों को मिला के ऊपर वाला अमाउंट आपका मैच हो जाएगा। और ये हमारे हो गए टोटल मिला के 6 वेरियंसेस। और मैंने कैपेसिटी के लिए आर वाला इजी है, डेज के लिए दोनों बता दिए, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले से जाते हो तो आपका कैपेसिटी इजी हो जाता है। ये जो 176 से मैंने निकाला ना, इसको पता है बोलते क्या है? इसको बोलते हैं आरबीएच, दैट इज बजटेड आर फॉर एक्चुअल डेज, रिवाइज बजटेड आर। हमको क्या करना पड़ेगा? 20 दिन के आर को कितने पे लाना पड़ेगा? 22 दिन पे, क्योंकि कैलेंडर ने आपको कितने दिन दिए? 22। तो अगर आपको कैपेसिटी निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो बढ़िया है कि डेज वाला वेरियंस आरबीएच से निकाल लो, तो एडिट फिर आरबीएच उठ के इधर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो आप एक चीज देख सकते हो क्या रहा है, ये उठ के यहां आ रहा है और ये उठ के यहां जा रहा है, मतलब जो उधर का पहला है, और इधर से देखो ये उठ के यहां आ रहा है, ठीक है? तो जो इधर का एंड है वो इधर का एंड बना, और उधर का जो फर्स्ट है वो सेकंड वाले का एंड बना, और जो सेकंड वाले का फर्स्ट है वो थर्ड वाले का एंड बना। दिख रहे हैं आपको? तो एक देखने के लिए कि एक सिमेट्री बैटरी हो तो समझ में आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए, तो लॉजिक समझ में आ गया तो ज्यादा अच्छा है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, अब आपको फिक्स ओवरहेड वेरियंस पूरा समझ में आ गया ना? हो जाएंगे अब? काई का ग्राफ बनवा दूं? अच्छा, वो ग्राफ ऊपर नीचे वाला, ठीक है रहने दो, वो सिर्फ समझने के लिए ठीक है। वो आपको क्लास में अगर याद नहीं हुआ तो यहां भी बता दूंगा तो याद नहीं होगा, ठीक है? बेटर है कि आप लॉजिक पकड़ लो, लॉजिक पकड़ लोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, हेलो, क्लियर कट चीज है, अपने को चार चीजें निकालनी है। पहले बताओ चार चीजें क्या क्या है? बेस, ओवरहेड, आर्स और आउटपुट। ये चार चीजें अगर आपके पास में है तो आपको फिक्स ओवरहेड वेरियंस का कोई भी वेरियंस निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ये है फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरियंस। इसके फिर बोल रहा हूं, मेरी तरफ से मैंने रिवाइज करवा दिया। अब आपको क्या करना है? आपको इसका मॉड्यूल और नोट्स दोनों ढंग से करने। लेबर अच्छे से तैयार हो गया ना? पूरा मॉड्यूल कर लिया, पूरे नोट्स कर लिए, अब इसका भी पूरा मॉड्यूल और पूरा नोट्स कंप्लीट करो। और बच्चे बोल रहे हैं अगला चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमको सर सर्विस कॉस्टिंग का भी रिविजन चाहिए, ठीक है? तो आप स्टैंडर्ड खत्म करो तो मैं सर्विस कॉस्टिंग का रिविजन भी अगला ले लेता हूं। वही ऑपरेटिंग ही सर्विस है, एक ही बात है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। तो पहले आप स्टैंडर्ड खत्म तो करो, जब तक स्टैंडर्ड खत्म नहीं करोगे मैं ऑपरेटिंग रिवाइज नहीं कराऊंगा। तो स्टैंडर्ड खत्म करो 2-3 दिन के अंदर। यस, स्टैंडर्ड को जल्दी से जल्दी खत्म करो तो मैं आपका ऑपरेटिंग का रिविजन ले लेता हूं। थैंक यू सो मच, आज का डिस्कशन खत्म, बाकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटिंग के रिविजन के साथ। थैंक यू।